नर्मदा के तरोपा गांव के बच्चे स्कूल जाने के लिए बस के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। हालांकि वहां पर बस खड़ी ही नहीं रहती है, जिसकी वजह से छात्रों को स्कूल पहुंचने में काफ़ी देरी हो जाती है। इस बात से छात्र बीते कई वक्त से परेशान हैं। हालांकि अब कोरोना की दूसरी लहर शांत होने के बाद जब स्कूल्स फिर से खुल चुकी है, ऐसे में छात्रों को फिर से स्कूल तक जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते इन सभी छात्रों ने आज रोष जताते हुए वहीं पर बैठकर आंदोलन किया और बस रोककर विरोध जताया। नांदोद तालुका के तरोपा गांव के छात्र बीते कई वक्त से एक समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद थी, जिसकी वजह से छात्रों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन अब स्कूल फिर से शुरू हो चुकी है। ऐसे में वहां के छात्रों के लिए कोई भी बस खड़ी नहीं रहती है, जिसकी वजह से छात्रों को स्कूल तक पहुँचने में दिक्कतें होती है और कई बार देरी भी हो जाती है, जिसके चलते अब छात्र काफ़ी परेशान हुए हैं। ऐसे में आज तरोपा बस स्टैंड पर छात्रों ने बैठकर इस मामले विरोध जताया और बसें भी रोक दी, जिसके चलते वहां पर पुलिस भी आ गई और अब छात्रों में काफ़ी रोष देखने मिल रहा है। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता गौतम व्यास ने नर्मदा से भेजी है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।